की इन बेटियों ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरे देश में जाकर अपने देश का परचम लहराया और लगातार 4 बार की विजेता रही साउथ कोरिया की हॉकी टीम को हरा दिया। जी हाँ, जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। बता दें कि महिला जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया। यह मैच जापान के काकामीगहारा में खेला गया। जब भारतीय महिला हॉकी टीम की ये सभी खिलाड़ी अपने देश वापस लौटीं, तो उनका एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इन खिलाड़ियों का अपनी जीत और गत भविष्य में अपनी योजनाओं को लेकर। हम अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो हम अभी अपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए फोकस कर रहे हैं ताकि हम वहां भी मेडल लाएं और मेडल टैली में आए। सो फॉर द वर्ल्ड कप हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम एशिया कप में फर्स्ट आए और हमारा क्वालिफाई हो गया है वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ भी हम अच्छे प्रदर्शन करेंगे और जीत के ही आएंगे। ये जो दिख रहा है ये मेरी टीम की मेहनत है, और आज जो एशिया कप में हमारा मेडल आया है इससे ये पता चलता है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, और अब हम आगे तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप की ताकि हम वर्ल्ड कप में भी मेडल लेके आए। हम लोग अभी मेडल लेके आए, हम बहुत खुशी है क्योंकि कभी जूनियर टीम में गोल्ड मेडल किसी ने नहीं लाया था। यह फर्स्ट टाइम है कि एशिया कप में हम लोग ने गोल्ड मेडल लेके आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है और हम लोग ने इंडिया का नाम तिरंगा फिर से ऊपर लाया है। इसके लिए बहुत बहुत हम खुशी है। मेरा ये फर्स्ट टूर था और फर्स्ट टूर्नामेंट भी था, और फर्स्ट में एशिया कप में गई थी, और आज मुझे अच्छा लगा कि हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किए थे और हम मेडल लेके आए, हमको बहुत खुशी हो। हम लोग अभी जीत के आए, हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है, और अभी हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए तो उसके लिए हम फोकस करेंगे।